95 बटालियन सीआरपीएफ पहाड़िया मंडी ने सृजन सामाजिक विकास न्याय के साथ मिलकर शुक्रवार को 301 पौधे लगाए। ये पौधारोपण साकेत नगर कॉलोनी के पार्क नंबर 1 में किया गया। इस अभियान के तहत किस्म किस्म के पौधे लगाए गए, जिनमें पारिजात, अशोक, गुड़हल, अर्जुन, नीम आदि प्रमुख रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ 95 बटालियन के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह पीएमजी रहे। आइए मुख्य अतिथि से ही इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, कमांडिंग 95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में, और आज हम लोग सृजन सोशल डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट की तरफ से एक पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें सीआरपीएफ के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के आए हैं। इस एनजीओ की मदद से हम लोग ने लक्ष्य रखा है कि बनारस में इस वर्ष 1,00,000 पौधे का रोपण किया जाए। उसी के सिलसिले में आज साकेत नगर के पार्क में 251 पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है, और इसके साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस भी है। उसके संबंध में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को इस संबंध में एक शपथ भी दिलाई गई, जिससे कि हम लोग अपने समाज को जागरूक कर सकें कि नशा इतना खतरनाक चीज़ है, इससे सब लोग मुक्त रह सकें, और साथ में पूरे समाज को पौधारोपण करके एक अच्छा वातावरण, अच्छी आबोहवा अपने कमिंग जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को मिले। सर, ये कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं ये सब? देखिए, ये प्रोग्राम जो है, जैसे बताया कि लगभग 1,00,000 पौधों का हम लोग का लक्ष्य है, तो हम लोग ने कोशिश किया कि प्रति सप्ताह कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करें। जैसे आज 250 पौधे हैं, इससे पहले भी हम लोग ने लगभग 400 पौधे का हम लोग पौधारोपण कर चुके हैं। आगे कुछ अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग जगह पर हम लोग ने वो ग्रुप प्लान बनाए हुए हैं। आज 250 है, किसी दिन 1,000-1,500 भी होगा, किसी दिन 2,000-5,000 तक भी होगा। तो पूरे जगह जगह पर लगाना है, ये प्लान के मुताबिक। इसमें भी फिक्स नहीं है किस दिन कितना लगाना है, जो हमारे पास जगह अवेलेबल हो जाती है और जितने पौधे अवेलेबल होते हैं उसके आधार पर ये प्लान बना के उसमें पौधे लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के उप कमांडेंट महेंद्र कुमार मिश्रा, निरीक्षक रामचंद्र यादव, उप निरीक्षक श्याम कृष्ण गिरी समेत अन्य जवानों ने भी हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने पर्यावरण संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर युवाओं को नशा मुक्ति के विरुद्ध काम करने की अपील की, साथ ही उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति के खिलाफ शपथ भी दिलवाई। इसी कार्यक्रम में कोरोना से बचने हेतु सीआरपीएफ के द्वारा साकेत नगर कॉलोनी को सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइज भी किया गया। सृजन सामाजिक विकास न्याय के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को पौधरोपण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाकर पर्यावरण के प्रति भी जागरूक किया। इस कार्यक्रम में सभासद कमल पटेल, समाज सेवी सुधीर सिंह, कारोबारी अभिषेक जलान, आलोक गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव, दिनेश पटेल, विकास कुमार, बनारसी कुमार, जितेंद्र पटेल, राजू कन्नौजिया, रितेश कुमार गुप्ता आदि लोग भी शामिल रहे। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।